हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा टेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और अभी टाइम हो रहा है 7:45 और जा रही थी खाना बनाने के लिए। साग बनाऊंगी सरसों और पालक का। तो अभी ना सरसों और पालक दोनों ही आ गया है मार्केट में, तो आज फर्स्ट बार ही देखी, जैसे कि पिछले बार ही आ गया था मार्केट में। तो हस्बैंड गए हुए थे पर वो नहीं लाए, और आज मैं गई थी खुद सब्जी लाने के लिए, तो साग भी लेते आई। और ये साग मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी और साथ में बनाऊंगी भथुआ का सब्जी कच्चा वाला, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किचन में कैसा होता है। कुछ लोग भथुआ बोलते हैं, कुछ लोग भुआ बोलते हैं, कुछ लोग सिसकोबड़ा बोलते हैं, तो बहुत सारा नाम है, पता नहीं आप लोग की तरफ उसको क्या बोलते हैं। तो उसी का सब्जी, पराठा और साग, यही रहेगा रात का खाना। और ये साग मैं सीखी थी जब मैं धनबाद रहती थी ना, तो वहां पे जैसे कि घर के पीछे वाले लाइन में एक आंटी जी रहती थी, उनको ना खाना बनाना बहुत, मैंने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी, सब चीज स्वादिष्ट बनाती थी, पर उसमें एक साग जो था ना वो पंजाब की थी, तो साग जो बनाती थी ना वो बहुत ही टेस्टी साग बनाती थी। बोलती थी कि मेरे पंजाब में बनता है। तो एक बार खाई तो बोली कि आंटी जी मुझे ये सिखा दीजिएगा साग कैसे बनता है सब। तो बोली थी ठीक, हम तुमको सिखा देंगे। तो वही ये साग बनाना मुझे सिखाई थी, तो वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी और खाने में अच्छा लगता है। और टाइम भी ज्यादा हो गया है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पहले ही बोल दी थी 7:45 से। तो चलिए, और दिन है आज कौन सा दिन है? दिन है आज बृहस्पतिवार और तारीख है 29 तारीख। अपने हस्बैंड का शिकायत नहीं कर लेती ना, तब तक मेरा है ना वो हजम नहीं होता है। जैसे कि ये सब्जी लाने के लिए जाते हैं ना, तो देखते नहीं है कि कौन नया सब्जी मार्केट में आया है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो वही बात है, ये जाते हैं तो नया सब्जी में से कुछ भी नहीं आता है, और मैं जाती हूँ ना तो ढेर सारा सब्जी उठा करके लाती हूँ नया नया वाला जो कि मार्केट में आया हुआ रहता है। तो वही बात बोल रही हूँ कि जब तक इनका मैं शिकायत ना करूँ तब तक मेरा पेट का अन्न हजम नहीं होता है। तो चलिए किचन में। और अभी का मौसम ना ठंडा हो गया है, मैं किचन में और जो सिसकोमरा बोल रही थी ना, भथुआ सिसकोमरा यही है, तो देखने में ना एक कद्दू जैसा ही लगता है। और इसको ना बहुत दिन से मैं खोज रही थी पर आज नजर आ गया तो ले ली। और ये इस तरह का है, आप लोगों को पता भी होगा, तो इसका सब्जी कद्दू से टेस्टी होता है। थोड़ा सा ना बनने के बाद ये सब्जी जैसे कि तैयार होने के बाद ना थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट लगता है, तो इसी का मैं सब्जी बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं लाई ये वाली सब्जी, और आज मार्केट गई ना तो ये बरबटी दिखाई दिया, हल्का सा मैरून कलर का है इस तरह का, इसका सब्जी बहुत अच्छा लगता है। साथ में लाई पटल, बैगन, मूली, उसके बाद में सीम, टमाटर, तो यही सब है। और प्याज हो गया 80 रुपए केजी, टमाटर अभी 60 रुपए केजी है, तो हाफ केजी लाई, तो ये चलेगा मेरा, ज्यादा दिन चलेगा। तो इसको क्या की, अभी तो सब्जी लाइए पहले उसको ना लाइए, तो इसको ना ला दी। और ये जब इसका शरीर का पानी सूख जाएगा तो इसको क्या करूंगी, कपड़े पहना के डाल दूंगी मैं फ्रिज में। और इसको बनाना ना बहुत झंझट है, बनाना मतलब कि इसको तोड़ना और साफ करना बहुत झंझट है। एक एक पत्ता देखो कहीं कीड़ा तो नहीं है, और उसके बाद में फिर धो धो करके फिर सूखने के लिए डालो, तो ये सब काम हो गया है मेरा। ये झंझट का काम जितना भी था ना मैं दिन में ही कर ली, तो इसको भी डाला धुला दी। अब इसको काटूंगी और काट करके डाल दूंगी कुकर में ताकि ये पक जाए। साग करके तैयार कर ली और घर में चढ़ा दी कुकर, साथ में डाल दे रही हूँ इससे एक कप पानी, और इसी के साथ मैं डाल दे रही हूँ इसमें नमक, और इसके बाद में डाल दूंगी साग। पानी में आगे बढ़ तो इसको साग को मैं डाल दे रही हूँ, इसी में डाल दे रही हूँ ये 6 से 7 दाना है लहसुन का, इतना अदरक डाल दे रही हूँ इसी में। आज सब्जी मार्केट में जब सब्जी ले रही थी ना, तो एक बुजुर्ग थी जो कि 70-75 साल उनका एज जरूर होगा, दो औरत थी, दोनों का वही एज होगा, पता नहीं दोनों बहने थी, गोतनी थी, क्या थी पता नहीं। तो आज प्याज वाले से लड़ाई कर रही थी, बोल रही थी काहे देबो 80 रुपया तेरा किलो प्याज, पिछला ही घटिया तो हम ले गए किलो प्याज, तेरा काहे देबो 80 रुपये किलो प्याज, 60 के हिसाब करके दी। दुकानदार भी झुंझलाने लगा था, बोल रहा है कि रेट बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, जाइए सरकार को बोलिए, कान से भी ऊंचा सुन रही थी। तो बोली कि ना
हम ना देबो तोरा प्याज 80 रुपये किलो, हम 60 रुपये ले गेलिए हो, पैसा ला हम 60 रुपये ही देबो। तो दुकानदार भी झुंझलाने लगा, पैसा दे दिया और अपना सामान छीनने लगा कि नहीं दीजिए आप सामान। तो हस्बैंड क्या किए कि ये झगड़ा देख रहे थे, हम लोग दोनों ही देख रहे थे झगड़ा, दोनों का बक्सर जो चल रहा था सो। तो मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं, बोला बउआ दुकानदार बा बड़ी बदमाश बा, दुकानदार बड़ी बदमाश बा, पिछले दिन वो बबुआ से लेडी 60 रुपये किलो आई कह रहा बा कि 80 रुपये प्याज दे। तो ऐसा कह भले ही हा कि पिछले हटिया कुछ हो रही, राज हटिया में कुछ हो। हस्बैंड हंसने लगे और दुकानदार को इशारा किए कि ठीक है आप जो दे रही हैं सो आप दे दीजिए उनको, जो ले रही हैं उनको आप दे दीजिए, जो पैसा होगा हम दे देंगे। तो बोला कि नहीं सर, दुकानदार बोल रहे नहीं सर ये ऐसे ही करती है, हटिया का दाम अब देख रहे हैं कि बढ़ रहा है तो हम कहां से देंगे। तो बोले ठीक है जो भी हो आप जो मांग रही हैं, जो ले रही हो वो आप दे दीजिए, उसका पैसा हम दे देंगे। तो शायद 15 रुपया वो दी थी और जो बचा पैसा था सो दुकानदार को हस्बैंड दे दिए। तो वो बोल रहे कि ना बबुआ तू ना दी है पैसा, तो कहते ना ना हम पैसा ना दे, रुआ लोग जाओ ये दुकानदार बदमाश दुकानदार, कहता हाँ ये बहुत बदमाश बा बोल करके वो लोग चले गए। दुकानदार भी हंसने लगा कि ये लोग ऐसे ही करती हैं। तो अक्सर नहीं पर कभी कभी वो लोग आती हैं, जैसे कि महीना दो महीने में एक बार आती हैं, एक बार दो बार आती ही हैं। तो वही बात है, तो महीने दो महीने में जाने के बाद में तो पता नहीं चलता है ना कि कौन सा सब्जी का क्या रेट हुआ क्या नहीं, पर देख करके ना उन लोगों को देख कर ना मेरी दादी की याद आ रही थी। वैसे ही एज और खूब गोरी थी, देखने में भी सुंदर लग रही थी, पर पैसा का था कुछ परेशानी उन लोगों को। हम आप तो फिर भी कर ले, पर वैसे ठंडी के लिए अभी ये सब्जी का रेट या आलू प्याज जो भी है उसको लेना बहुत मुश्किल है। तो चलिए सब्जी के लिए भी मसाला ये सब काट लिया अदरक लहसुन और साग के लिए भी। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि साग अच्छे से पक गया है और तो मिक्स कर ली, उसमें डाल दे रही हूँ मकई का आटा और थोड़ी सी बेसन, तो मतलब कि हाफ हाफ चम्मच ली थी दोनों को, और दोनों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर ली। और इधर गैस को फिर जला करके और इसको छोड़ दे रही हूँ पकने के लिए गैस फ्लेम को स्लो करके। तो उधर पक रहा है तब तक इधर मैं डाल दी कढ़ाई में एक चम्मच घी, साथ में डाल दी सूखी लाल मिर्च और एक हरी मिर्च, साथ में डाली थोड़ी सी अदरक काट करके और लहसुन, वो पक गया। तो फिर यहाँ पे डाल दे रही हूँ प्याज। जब ये 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून के तैयार हो गया तो इसमें डाल दे रही हूँ मैं ये टमाटर काट के रखी थी सो, साथ में डाल दे रही हूँ नमक और कुछ मैं सूखे मसाले डाल रही हूँ जिसमें काली मिर्च, हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो यही मसाला डाल करके कुछ देर के लिए भून ली। उसके बाद में मैं डाल दे रही हूँ इसमें लहसुन का पेस्ट। तो बस ये मसाला हो गया, अच्छे से इसको भून ली 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद में जो साग बॉयल करके रखी थी ना तो उसको भी डाल दे रही हूँ और अच्छे से मिक्स करके और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। कम से कम गैस को बिल्कुल ही सिम करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि मसाला साग अच्छे से मिक्स हो जाए। और इधर मैं चढ़ा दी कुकर सब्जी के लिए, तो उसमें मैं फ़ौरन डाल दी जैसे कि सूखी मिर्च, मेथी, जीरा डाली थी और उस जो लहसुन प्याज काट के रखी थी ना तो बस उसको भी डाल करके और पका लूँगी। और उसके बाद में वो सब्जी डाल करके और थोड़ी सी मसाले जो डालती हूँ सब्जी में, वो सब्जी में मसाला डाल करके और बस 2 सीटी लगा लूँगी तो बस सब्जी तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए सीटी लगा दी और यहाँ पर दिखा रही हूँ ये साग, जो देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है ना। तो बस इसको मैं कटोरे में खाली कर ली और सालने रही हूँ आटा, साथ में बना लूँगी रोटी और देखिए सब्जी भी तैयार हो गया है। तो उसके बाद में मैं निकाल लूँगी खाना। तो बस खाना तैयार है, साग रोटी और सब्जी। तो रोटी ही बनाई, पराठा नहीं बनाई। हस्बैंड बोले कि छोड़ दो पराठा, रोटी ही रहने दो। तो चलती हूँ अब खाना खा लेती हूँ और
आज के वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।